हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अबाउट क्लास 10th सब्जेक्ट ज्योमेट्री है। लेसन 4th है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 4.2 देखने वाले हैं। तो पूरे कंस्ट्रक्शन के साथ एक्सप्लेनेशन हमारा रेडी है, तो पूरा वीडियो देखना है आपको। क्वेश्चन फर्स्ट है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर पी एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट एम ऑन इट। हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, रेडियस लेनी है 3.2, जिसका सेंटर पी रहेगा और पॉइंट एम उस पर ही कहीं पर भी है, यानी सर्कल के ऊपर, तो उस पर से टेंजेंट हमको ड्रॉ करना है। सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही, ये दो क्वेश्चन सेम रहने वाले, तो एक एक क्वेश्चन हम चलो स्टार्ट करते हैं। सो 3.2 रेडियस वाला हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, स्केल पर 3.2 लेना है हमको। ये 3.1 3.2, सो इसको एनलार्ज करता हूँ मैं, ये आया 3.2। अब 3.2 का रेडियस वाला हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो जो सर्कल की रेडियस होगी 3.2। तो ये 3.2 रेडियस, उसके बाद ये होगी रेडियस। सेंटर उन्होंने कहा है पी, इसलिए चलो मैं पी नाम दे देता हूँ सेंटर को, ठीक है। उसके बाद कोई भी पॉइंट लेना है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहीं पे ले लेते हैं रेडियस पर, यानी कि पी एम ये रेडियस होगी, ओके। उसके बाद इस पर से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा इनलार्ज करना पड़ेगा, ये लाइन को, यानी ये रेडियस को, इसको थोड़ा सा लॉन्ग ले लिया है मैंने, ओके। होप करता हूँ आपको पहली स्टेप समझ में आई होगी। उसके बाद स्टूडेंट पॉइंट एम पर कितना भी डिस्टेंस रेडियस से थोड़ा छोटा डिस्टेंस लेकर आपको दो आर्क ड्रॉ करना है, वन और ये है टू। ये दो आर्क क्या करेंगे, ये दो आर्क बताएंगे हमको डिस्टेंस। और अब इस पर से अगर हम इसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर निकालते हैं तो ये हमसे पे से जाएगा, और आपको पता है कि रेडियस पर से टेंजेंट ये परपेंडिकुलर रहती है 90 डिग्री, इसलिए हमको परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना है। थोड़ा अब लार्ज करता हूँ मैंने, अब थोड़ा सा कंपास को बड़ा बनाया, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस, ये है आधा डिस्टेंस और ये है आधे से ज़्यादा, तो ठीक है आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ये देखो मैंने ले लिया है। ये दो आर्क्स के बीच में आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है, और आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेने के बाद एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, उतना ही डिस्टेंस कंटिन्यू रख कर इस आर्क पर रखना है, और एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कि मैंने राइट किया है नहीं, क्योंकि अभी कंपास सरक गया था, देखो थोड़ा सा डिफरेंस आया ही, ओके। अब यहाँ से मैं अगर परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो मुझे मिल जाएगी टेंजेंट, ये हो गई टेंजेंट, ये हो गया 90 डिग्री, और पी एम उन्होंने कहा था 3.2 सेंटीमीटर, सो ये है 3.2 सेंटीमीटर। पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जितनी भी दी गई होंगी उतनी पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखनी होगी, क्योंकि तभी जाकर वो आपसे कंसिडर करेंगे कि आपने ठीक है वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन फर्स्ट था हमारा। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर की रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ करना है। टेंजेंट कोई भी पॉइंट पर लेकर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, बस यही है उसका कंस्ट्रक्शन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो दूसरा सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन टू के लिए नया पेज। कोई भी रेडियस बोले, इसलिए जो भी रेडियस होंगे, नहीं सॉरी, कोई भी रेडियस नहीं, 2.7 बोले है, सो ये 2.5 2.6 2.7, ये 2.7 से ज़्यादा हो रही है रेडियस, इसलिए इसको कम करता हूँ मैं, ये आई 2.7 की रेडियस, ठीक है। ये 2.7 की रेडियस रखकर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, कोई भी एक पॉइंट लो, इसका मतलब चलो यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं। अब उन्होंने कोई भी नाम नहीं दिया है, इसलिए इसको ओ, इसको ए नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। और अब मैं रेडियस तो ड्रॉ करूँगा ही करूँगा,
उसके आगे भी रेडियस को थोड़ा एक्सटेंड करूँगा। क्यों करूँगा वो तो आपको अभी क्वेश्चन वन में समझ में ही आ गया होगा, क्योंकि हमको अब दो आर्क लेने हैं, रेडियस से थोड़ा कम डिस्टेंस लेकर दो आर्क ड्रॉ करो। ठीक है, पॉइंट ए पर रखा है मैंने, दो आर्क ड्रॉ किए। अब आधे से ज़्यादा डिस्टेंस आप कितना भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा डिस्टेंस आप ले सकते हो, या पर आधे से ज़्यादा, आधे से कम नहीं। तो ये आर्क पे रखूँगा मैं आयरन टिप, यहाँ पर एक आर्क, नीचे एक आर्क, फिर से वही डिस्टेंस कंटिन्यू रखते हुए मैं यहाँ पर रखूँगा आयरन टिप, यहाँ पर एक आर्क और यहाँ पर एक आर्क, और जब मैं इसको जॉइंट करूँगा तो मुझे मिल जाएगी टेंजेंट। सो ये हो गई है टेंजेंट, इसको लाइन एल करके नाम आप दे भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये है 2.7 सेंटीमीटर, इसलिए 2.7 सेंटीमीटर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन थर्ड के लिए थर्ड पेज लेंगे हम। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 3.6 सेंटीमीटर है। ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर। वही प्रोसेस है, बट अब सेंटर को यूज नहीं करना है, अब सेंटर को यूज नहीं करना तो फिर तो बहुत दिक्कत आ गई है ना। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3.6 सेंटीमीटर का तो पहले सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे, फिर आगे उसकी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी हमको। तो चलो सबसे पहले रेडियस लेते हैं हम 3.6 सेंटीमीटर, ये 3.5, ये 3.6, ये 3.6 सेंटीमीटर की रेडियस वाला सर्कल। ओके, उस पर कोई भी पॉइंट लो और बिना सेंटर का यूज़ किए हमको, यहाँ पर इसको ओ देता हूँ नाम, क्योंकि नाम उन्होंने दिया नहीं है। सपोज़ यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ मैं ए। अब स्टूडेंट ये ए से हमको टेंजेंट निकालनी है, बट सेंटर का यूज़ नहीं करना है, अभी तक हमने सेंटर का यूज़ किया है। सो अब करना क्या है आपको पता है क्या, आपको कोई भी दो पॉइंट लेने हैं बी सी, ए बी सी, ये ट्रायंगल आपको क्रिएट करना है। चलो ये ट्रायंगल बना लेंगे हम। देखो इसको मैंने गिना नहीं है, इसको ना तो गिनना है, अपने मन से लेना है, थोड़े दूर दूर लेना है कि आपको ट्रायंगल निकालने में आसानी होनी चाहिए। ठीक है, यानी सर्कल के जो सेंटर है उसके तीनों भी साइड अलग अलग पॉइंट्स लेना है। ओके, अब ये ट्रायंगल का ये जो एंगल है, ये एंगल के बराबर अगर ये एंगल हमने निकाला तो वो लाइन पैरेलल हो जाएगी रेडियस को, सीधी सीधी बात है। तो इसके लिए बहुत ही ईजी टेक्निक है। सेम एंगल निकालने की स्टेप्स क्या है, आपको थोड़ा सा डिस्टेंस लेना है। ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं कि बहुत बड़ा हो, बस छोटा डिस्टेंस के अपना प्रोट्रैक्टर, सॉरी ये कंपास फिरना भी चाहिए, इजीली मूव होना चाहिए। और इसको रखो सी पर, ये रखा मैंने पॉइंट सी पर, और यहाँ पर एक आर्क, ऐसा ही सेम आर्क पॉइंट ए से। ठीक है, ये पॉइंट ए से, ये पॉइंट ए पर आयरन टिप रखा है मैंने, और यहाँ पर मैं एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से ऊपर से बोलो या नीचे से बोलो, इसका मेजरमेंट यानी इसका डिस्टेंस, यानी यहाँ पर रखा है मैंने आयरन टिप और ये ले रहा हूँ मैं डिस्टेंस। देखो इसको कम करने की ज़रूरत है, ये कम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यानी देखो इतना डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस पर ये आर्क, और वैसे ही यहाँ पर रख के ऊपर, हाँ ए पर रखना नहीं है, देखो ऊपर के आर्क पर जहाँ पर आर्क हमने यूज़ किया है वहाँ पर रख के आयरन टिप, यहाँ पर एक आर्क, बस हमारा काम हो गया। ये दोनों पॉइंट्स मिल गए, दो पॉइंट अगर मिल गए तो हम लाइन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सो चलो लाइन ड्रॉ करते हैं हम। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और मुझे मिल गई है टेंजेंट। सो ये लाइन
एल इज द टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। इस टाइप से हमको सॉल्व करना होता है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन फोर है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। 3.3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 6.6। पी क्यू एक कॉर्ड ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ होगी 6.6। अब देखो स्टूडेंट्स, रेडियस है 3.3, तो डायमीटर कितने की होंगी? 3.3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6.6, इसकी डबल ही होंगी ना। और कॉर्ड भी कितनी है? 6.6, यानी कि सीधी सीधी बात ये डायमीटर है। और जो पॉइंट पी और क्यू उसके सर्कल पर के रहेंगे, उस पर से दोनों भी जगह से टेंजेंट हमको निकालनी है। तो चलो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, एक टेंजेंट की जगह दो टेंजेंट निकालना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम रेडियस 3.3 सेंटीमीटर लेते हैं। सो ये रेडियस 3.123, ये 3.3 सेंटीमीटर मैं ले रहा हूँ, ये हो गया 3.3 सेंटीमीटर रेडियस, और ये होगी हमारी डायग्राम, ये हो गया उसका सेंटर। सेंटर को नाम नहीं दिया है, चलो नाम नहीं दिया तो वो नाम दे देना, बहुत अच्छी बात रही थी। उसके बाद इसमें से आप कहीं पर भी डायमीटर निकाल लो, वो 6.6 ही रहेंगी, ठीक है? इसलिए इसको ना तो गिनने की ज़रूरत है ना तो कोई दिक्कत जाएगी। तो ये ज़्यादा लेंथ मैंने ली है, क्यों ली है वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ज़्यादा लेंथ पर से अब हमको टेंजेंट निकालने में आसानी जाएगी। और उन्होंने ये बोला नहीं है कि सेंटर यूज़ मत करो, इसलिए वो भी बहुत अच्छी बात है। और ये है पी और ये है क्यू। सो पी क्यू क्या होगी? डायमीटर, जो कि होगी 6.6। तो इधर दे देता हूँ मैं 6.6 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ से हमको टेंजेंट्स निकालनी है, वैसे ही थोड़ा सा कम डिस्टेंस ही लेना है। थोड़ा कम डिस्टेंस लेकर इससे भी थोड़ा छोटा अगर किए तो बहुत ही अच्छी बात। क्यू पर रखूँगा मैं, यहाँ पर एक आर्क, इस साइड एक आर्क, उतना ही डिस्टेंस लेकर आप पी पर भी रख सकते हो। सो पी पर एक आर्क, सेकंड आर्क, मैं एक साथ दो टेंजेंट निकाल रहा हूँ इसलिए इसको एक्सप्लेन एक साथ में ही कर रहा हूँ। अब हाफ, ये तो हाफ डिस्टेंस होगा ही, ये देखो ये हाफ, ये हाफ, तो ये हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस मैंने लिया है, ज़्यादा कितना भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब यहाँ पर रखूँगा मैं ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क, फिर से इस पॉइंट पर रखता हूँ मैं ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क, ये दो लाइन को ज्वाइंट करो, टेंजेंट मिल जाएगी। वैसे ही इधर भी, ठीक है, आयरन टिप रखा है मैंने ऊपर नीचे आर्क, यहाँ पर भी आर्क्स। ओके, और इस टाइप से अगर हम इसको ज्वाइंट करें तो ये टेंजेंट, इसको ज्वाइंट किए तो ये अनदर टेंजेंट हमको मिल जाएगी। और दूसरी बात, उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है कि आपके ऑब्जर्वेशन बताओ। तो सबसे पहली बात तो ये 90 डिग्री हो गए, क्योंकि टेंजेंट ये परपेंडिकुलर रहते हैं रेडियस को, और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों जो टेंजेंट्स है ये पैरेलल हो गए, है ना, इंटीरियर एंगल टेस्ट के हिसाब से। सो ऑब्जर्वेशन लिखेंगे हम हमारा। सो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट्स पी एंड क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर, एक में को पैरेलल है वो दोनों टेंजेंट्स, ये हमारा ऑब्जर्वेशन डायग्राम देखते ही आता है। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ है, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। रेडियस 3.4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ कॉर्ड एम एन ऑफ लेंथ 5.7। अब देखो स्टूडेंट, 3.4 का अगर डबल किया जाए तो वो आएगा 6.8, और ये कॉर्ड डायमीटर से छोटी है, इसका मतलब ये डायमीटर भी नहीं है, ठीक है? उस पर हमको
5.7 लेंथ की एक कॉर्ड लेनी है और कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स फ्रॉम एम एंड एन। बस एम और एन पर से हमको टेंजेंट्स ये ड्रॉ करने हैं। अब स्टूडेंट्स इसके लिए तो सबसे पहले रेडियस देकर है, सर्कल निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है, और सर्कल का जो रेडियस है वो 3.4 सेंटीमीटर की है। सो इसलिए 3, 1, 2, 3, 4 ये है 3.4 तो ये होगी 3.4 सेंटीमीटर, ये चलो 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है ना? नहीं ना। यहाँ पर मैं पॉइंट ओ दे देता हूँ, नाम देने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने सर्कल का कुछ अता पता बोला नहीं। उसके बाद उन्होंने बोला है 5.7 सेंटीमीटर की कॉर्ड, तो फिर से 5.7 सेंटीमीटर लो आप, 5.567 ये है 5.7 और ये है 5.7 की लेंथ। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ये साइड बोलो ये साइड बोलो, इधर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, जिसको मैं एन नाम देता हूँ, क्योंकि एम इधर आएगा, एम एन बोल रहे थे ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, एम यहाँ पर भी दे सकते हो आप, एन उधर आएगा फिर। सो ये एन पर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब देखो स्टूडेंट हमारा जो प्रोटेक्टर है, कंपास है, जो कंपास का जो टिप है वो यहाँ पर पहले थोड़ा सा गड़ा देना चाहिए, ठीक है, या तो पेंसिल से थोड़ा सा होल कर देना चाहिए, होल मतलब एम्बोस्ट करना चाहिए, होल मतलब होल नहीं, सिर्फ यहाँ पर छोटा सा गड्ढा कर देना चाहिए कि जहाँ पर हमारा कंपास का जो आयरन टिप है वो फंस जाए तो हमको ईजी जाएगा। और ये जहाँ पर अब टच होगा ये होगी 5.7 सेंटीमीटर, आया ना समझ में? इसका मतलब ये जो एम्बोस्ट पॉइंट अब मैं कर रहा हूँ वो क्या आएगा, एम्बोस्ट पॉइंट वो आएगा एम, ठीक है। और अब ये कॉर्ड अगर मैंने ज्वाइन कर दी तो ये होगी 5.7, और अब इसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने बढ़ा दिया है बट मेरा ये रॉन्ग हो गया है, क्यों हो गया है? क्योंकि रेडियस से ही परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो रेडियस नहीं है, है ना, तो इसको बढ़ाकर फ़ायदा नहीं है, यानी बीच बीच में गलती कहाँ पर हो सकती है ये मैं आपको बताना चाहता था। तो ये हम एक्सटेंड कर कर कुछ भी हमको बेनिफिट नहीं होने वाला है, इसलिए इसको एक्सटेंड करना नहीं चाहिए। अब मैं अगर ओ एम को ज्वाइंट करूँ तो मुझे एक रेडियस मिल जाएगी, सो ये रेडियस ओ एम, दूसरा ओ एन को अगर मैं ज्वाइंट करूं तो ये मुझे रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। अब वीडियो में दिखने के लिए चलो ऐसी डायग्राम हम कर लेते हैं, ओके। तो ये इसको मैं एरो दे देता हूँ, सो ओ एम और ओ एन ये दो रेडियस है, और एम एन ये है 5.7 सेंटीमीटर, और ओ एम जो रेडियस थी हमारी, ये कॉर्ड थी, हाँ सॉरी मैंने रेडियस अगर बोला होगा तो, सो ओ एम और ओ एन ये है 3.4 इच, 3.4 और देखो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा। दूसरी बात, एम ओ एन जितने एंगल का होगा उतना ही एम एन आर्क होगा। अब ये इसका पार्ट नहीं है, ये प्रॉब्लम सेट में इस टाइप का एक क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रॉब्लम सेट 4 में, बट मैं अभी थोड़ी एक बेसिक आइडिया दे दे रहा हूँ आपको। फिर से वही बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस लो एन पर और एम पर रखो, एन पर रखा है एक सेगमेंट हमको मिल गई है, एम पर रखा है आयरन टिप, फिर से एक सेगमेंट हमको मिल गई है, ये जो राइटिंग वर्क है आप बाद में भी कर सकते हो। उसके बाद हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लिया है मैंने, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेने के बाद इस आर्क पर और उसके बाद इस आर्क पर रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एम्बोस्ट कर दिया है कि मेरा जो आयरन टिप है वो यहाँ पर फंसना चाहिए अच्छी तरह से। सो ऊपर नीचे फिर से इधर ऊपर नीचे इधर ऊपर नीचे, ठीक है, बस इनको जॉइंट कर दो, आपको आपके टेंजेंट्स मिल गए। सो ये टेंजेंट
ये दूसरी टेंजेंट। ओके तो ये थी हमारी डायग्राम। उसके बाद है क्वेश्चन सिक्स। क्वेश्चन सिक्स है ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर पी एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। टेक पॉइंट क्यू एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ओके 3.4 की रेडियस लेने लेनी है और पॉइंट क्यू ये 5.5 यानी कि सेंटर से सॉरी सर्कल के बाहर आएगा और वहाँ से हमको क्या करना है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट क्यू। ये क्यू पॉइंट से हमको टेंजेंट्स निकालने हैं। ओके सो चलो ड्रॉ करते हैं। हम पहले रेडियस हमको देकर है 3.4, सो 3.4 की रेडियस हम ड्रॉ करते हैं। सो ये है 3.1, 2, 3, ये है 3.4, ठीक है। तो ये 3.4 की रेडियस, इधर थोड़ा सा पेज खाली रखना है क्योंकि इधर हमको अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर एक पॉइंट लेना है, इसलिए ठीक है ये हो गया हमारा एक काम। उसके बाद दूसरा काम बचा है सेंटर को नाम देना है कि सेंटर पी, ये है पी। इसके बाद क्यू एक पॉइंट है जो 5.5 सेंटीमीटर दूर है। सो ये है पॉइंट पी और यहाँ से जीरो मैंने कंसीडर किया और 5.5 सेंटीमीटर पर पॉइंट क्यू मैंने लेना है। सो ये है 5.5। ओके सो ये है पॉइंट क्यू और चलो इसको जॉइंट कर लेते हैं हम, ठीक है। और इसके बाहर गई भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सटेंड ही करना चाहिए हमको आगे, अगर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह है तो ईजी जाता है। इसके बाद यहाँ से पॉइंट क्यू से दो हमको क्या लेने हैं टेंजेंट्स, ठीक है। एक टेंजेंट ऐसी जाएगी और टेंजेंट ऐसी आएगी। उसके लिए हमको पी क्यू इसका क्या लेना है पता है क्या? परपेंडिकुलर बायसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बायसेक्टर के लिए फिर से वही बात कि हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लो। ये हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस है क्या? हाँ है। हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर अपर आर्क लोअर आर्क फिर से पॉइंट क्यू पी पर रखकर अपर आर्क लोअर आर्क, ठीक है। यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद यहाँ से मैं एक कॉर्ड या तो बोलो अब सेकेंड मैं ड्रॉ करूँगा। चलो ड्रॉ कर दिया और ये जहाँ पर मिल रहे हैं ना वहाँ पर पॉइंट एम बोलकर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ कि एम ये पॉइंट है। अब बहुत ही इजी है, यहाँ पर हमारा आंसर बस ख़त्म ही होने वाला है। ये पॉइंट एम पर से P तक का डिस्टेंस आपको प्रोटेक्टर में सॉरी कंपास में लेना है। अब बार बार प्रोटेक्टर ही क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये समझ में आएगा इतना, ये डिस्टेंस लेना है आपको कितना पी एम के इतना। अब यहाँ से M से जितने भी आप ये पॉइंट ऊपर पे सर्कल में और नीचे सर्कल में अगर आप ड्रॉ करते हो बस यही दो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट टच होने वाली है। आया समझ में? या तो फिर आप सीधा सीधा ऐसे सर्कल भी हाफ सेमी सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके बट सेमी सर्कल ड्रॉ करने से अच्छा बस आर्क ही ड्रॉ करोगे तो ईजी जाएगा, क्योंकि जैसे कि अगर सेंटर में टच होते नहीं दिखा तो उसके मार्क्स भी रिड्यूस हो सकते हैं। ओके उसके बाद पॉइंट क्यू से ये एक लाइन फिर से पॉइंट क्यू से ये जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पर एक लाइन। ओके ये दो टेंजेंट हमको मिल गए, इसको पॉइंट दे देंगे ए, इसको दे देंगे बी। और अगर आपको बहुत ही इंटरेस्ट है कंस्ट्रक्शन का तो फिर आप पॉइंट बी पर पी से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हो। ये मैं ऑप्शनल बता रहा हूँ, ये पी ए और पी बी ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट को, क्यू बी और क्यू ए ये दोनों टेंजेंट्स को। ओके और उसके बाद क्वेश्चन सेवंथ जो कि लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है।
ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। बस वैसा ही है जैसे क्वेश्चन 6 था वैसे ही। चलो रेडियस लेते हैं हम, फोर पॉइंट वन सेंटीमीटर की। सो ये 4.1 ये है रेडियस, ठीक है। उसके बाद उसको ना तो उन्होंने नाम दिया है ना कुछ, इसलिए ओ, अगर नाम नहीं दिया तो ओ सेंटर लेना चाहिए क्योंकि नॉर्मली ओ ही नाम लेते हैं सेंटर का। उसके बाद यहाँ से 7.3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। सो ये ज़ीरो, ये है 7.123, ये है 7.3, और यहाँ पर एक पॉइंट लेना है। अब उसको नाम पी दे देंगे, नाम तो उन्होंने बोला नहीं इसलिए मैं पी ले लेता हूँ, ओ पी, ओके। उसके बाद इनको चलो जॉइंट कर लेते हैं हम, ये कर लिया है मैंने जॉइन। और फिर से वही बात, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, हाफ डिस्टेंस के आसपास तो होगा ही है, ये हाफ से ज़्यादा समझ लो, ठीक है। तो अब तो गारंटी से हाफ से ज़्यादा होगा क्योंकि इतना ही बचाई इसमें। तो चलो पी पर रखता हूँ मैं, अपर आर्क, लोअर आर्क, फिर ओ पर रखता हूँ मैं, अपर आर्क, लोअर आर्क, ओके। उसके बाद इसको जॉइंट करने का टाइम आ गया है, तो चलो इसको जॉइंट करने के लिए ये हो गई लाइन जो कि है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बस। और यही रेडियस कंसीडर करके दो आर्क आपको यूज़ करने हैं। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ एम, सो ओ पी का ओ एम पी हो गया है। यहाँ पर जी देना था मैंने, है ना, ओ एम जी हो जाता था। इसके बाद यहाँ पर रखा मैंने पॉइंट, इसको बनाई मैंने रेडियस, ठीक है। और ये एक आर्क, ये सेकंड आर्क, और ये जहाँ पर जॉइंट हो रहे हैं इसको दे देता हूँ मैं पॉइंट ए, यहाँ पर दे देता हूँ पॉइंट बी, ओके। और इनको जॉइंट अगर मैंने कर दिया, मिल गई टेंजेंट, हो गया, मार्क्स मिल गए हमको, है ना। तो उसके बाद है पी बी, ये हो गया पी बी, और ये हो गया पी ए। और एक्स्ट्रा के लिए आपको अगर ये जॉइंट करना ही है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डायग्राम जितनी अच्छी दिखेंगी उतना फ़ायदा। और दूसरी बात, ये जो कंस्ट्रक्शन के मार्किंग्स है इनको कट करना नहीं है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ये अच्छा दिखना चाहिए इसलिए इसको इरेज, इसको इरेज, यहाँ पर एक्स के जैसा, हाँ ये बहुत प्यारा दिख रहा है, वाह वाह वाह, सर खुश हो जाएंगे, बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मेरे भाई ऐसा करना नहीं है, आपके मार्किंग्स पूरे ऐसे नेचुरल दिखने चाहिए, और नेचुरल अगर नहीं दिखे तो मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि बहुत से स्टूडेंट कैसे हाथ से हैं, ठीक। तो वो उसमें और इसमें बहुत फ़र्क होता है, इसलिए ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट 4.2। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।